दानिया प्रेस से या इस केस से छुपकर इस अस्पताल में नहीं अपना इलाज करवाने आई। उनको साइकियाट्री की बहुत ही खतरनाक दवाइयाँ दी गई, जिससे इंसान सुसाइडल हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। आपके ख्याल में किसका काम है? मेरे पास कुछ सबूत है। जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भी दानिया के साथ ये किया है, वो बच कर नहीं जाएंगे। थैंक यू। सर सर सर, दानिया नहीं हूँ मैं, जो तुम्हारे पीछे अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए गुजार दूँ, चाह रही हूँ। डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें। देखो दानिया, जो लोग मोहब्बत से रूठ जाते हैं, मोहब्बत पलट कर उनके पास वापस नहीं आती। अपने और मेरे साथ ये मत करो प्लीज। For God's sake, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। का आज नहीं होता, हर पल राज नहीं होता। एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। बॉब, इज एवरीथिंग ओके? चले कहीं बाहर चलते हैं, अच्छी जगह खाना खाते हैं, आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट। लेट्स गो। You are strong. आप मेरी हिम्मत है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। आपको मेरे लिए स्ट्रांग होना है। ऑल राइट? हाँ, मैं तुम्हारी ताकत हूं, तुम्हारी हिम्मत हूं, तुम्हारी सब कुछ हो। बचपन से लेके अब तक मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। जो तुम चाहते थे तुम्हें मिला, तुम्हारे बाप की सियासत को सपोर्ट किया, इस खानदान की इज्जत के लिए सब कुछ किया। तुम्हारे बाप और तुम्हारी कुर्सी के लिए सब कुछ किया। भी पीछे नहीं हटी, कमजोर नहीं हुई, छोड़ा नहीं तुम्हारा साथ मैंने। लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। तुम मेरी ताकत कब बनोगे, मेरी हिम्मत कब बनोगे, तुम्हें अपनी मां नजर कब आएगी, मेरा सहारा कब बनोगे तुम? कभी नहीं। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपनी मां का सहारा बनो। आज तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर ऐसे घटिया लोगों के हाथ बेइज्जत हो रही है तुम्हारी मां। आज तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है मुझे अपने आप से, और किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि ये
कमबख्त सियासत जो है ना, ये खून मांगती है, आंसू नहीं। आंसू दिखाते हैं ना तो लोग आपको कमजोर समझते हैं। बताओ मुझे, तुम जवाब दो, तुम ऐसे लोगों से अपनी मां को कब बचाओगे जो रोज रोज उसे बेइज्जत करते हैं क्योंकि वो तुम्हारी ताकत बन के खड़ी है। बताओ, बोलो। मोहम, इस बार तो जो भी किया आपने किया है। इस दुश्मनी के पीछे तुम्हारा हाथ है, खबरदार जो मुझ पे इल्जाम लगाया। सॉरी मॉम, अल्लाह दानिया बीबी, अब तो बस आप घर चल लें। हम दोनों बच्चों को तो ले ही आए हैं और माशाल्लाह से लगता ही नहीं है कि किसी और घर में पले हैं। बहुत प्यारे शहजादे हैं दोनों। अल्लाह का शुक्र है बेटा कि बच्चे और माँ दोनों सलामत रहे, बहुत करम किया अल्लाह ने। अल्लाह इनको मेरी भी जिंदगी लगा दे। आमीन। देखो बेटा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि ढेरों खुशियां देखो और हमेशा सलामत रहो। लो ना। जी, आप ही ले। हाँ, मैं लेती हूँ। पाला गुड्डा मिला, पाला गुड्डा कहा देख रहे हो बेटा? नाना नहीं नजर आ रहे, कहाँ है वो? जी, वो मेरे ख्याल है कुछ रिपोर्ट्स लेने गए थे। मॉम, जूस तो पी लें। दिल नहीं चाह रहा। ऑर्डर सर, क्या खाएंगे? इनको तो पूरा इंसान खाने की आदत है, आम खाना तो इनसे हजम नहीं होता। आप हमें 2 मिनट दे। मेरे ख्याल से मोइस को बुला लो, हमें यहां से चलना चाहिए। जी। मोइस, अंदर आ जाए। हद होती है बेशर्मी की, इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई है फिर भी आ गए रेस्टोरेंट में डिनर करने। शेम ऑन यू, 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 शेम Mom, are you hungry? Should I order something? नहीं, भूख नहीं है। अच्छा, कुछ आराम कर ले जाके। अभी नींद नहीं आएगी। ये सोशल मीडिया, चीजें कितनी जल्दी वायरल हो जाती हैं। सब जगह कहानी फैली हुई है। फेड अप, समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं।
मेल आई है कैम की, डिवोर्स सेटलमेंट फाइनल हो गई। शुक्र है, कोई तो अच्छी खबर आई आज। अच्छी खबर? अच्छी खबर? How can you be so heartless and so cold? क्या आपने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा कि मुझ पे क्या गुजर रही है? मैं किस बारे में सोच रहा हूं? मैं वही करता रहा हूं जो आपने मुझे कहा है करने को, और मेरे पास क्या बचा है? और आप कह रही अच्छी खबर? Do you not have any feelings? Do you know how I am feeling right now? ना मेरे पास बीवी है, ना मेरे पास मेरा बच्चा है। आपकी खानदानी भाग गई, ये कुर्सी गई। And you want me to control my feelings? I have nothing. What do you not have? सब कुछ तो है। ये घर है, सियासत है, मुल्क है, एक माँ है। तुम्हें ये माँ नजर नहीं आती क्या? हाँ बोलो, शर्म करो, तुम मुझे इनसेंसिटिव कह रहे हो। सब कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए। आज उस रेस्टोरेंट में लोगों ने मेरी कितनी बेइज्जती की, तुम्हें कुछ नहीं लगा? बस यही औरतें नजर आती हैं तुम्हें, कभी कैम तो कभी कुछ तो कभी सनी। माँ नहीं नजर आती कहीं भी तुम्हें। अरे इंसान की जिंदगी में ना इश्क तो दोबारा आ जाता है, कितनी आएंगी और जाएंगी। जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है ना, तो एक लाइन लगेगी औरतों की, सारी दिल तोड़ेंगी तुम्हारा। हमेशा हर दफा तुम अपनी माँ को भूल जाओगे, कितना भी करो तुम्हें एहसास नहीं है। शर्म करो, मैं इनसेंसिटिव कौन बोल रहा है? नेहा को देखो, अपने गिरेबान में झांको। मैं इनसेंसिटिव नहीं, तुम इनसेंसिटिव हो। एक औलाद है मेरी, सारी उम्मीदें तुम पे रखी हुई है मैंने, लेकिन नहीं, मैं इस पूरी दुनिया में अकेली। आज समझ आ गई मुझे ये बात। वहां मैं बैठी हुई थी, लोग मेरी खुली खुली बेइज्जती कर रहे थे, और कोई था ही नहीं, ना शौहर, ना बाप, ना भाई, ना कोई नहीं। एक बेटा बैठा हुआ था, ये क्या किया उसने, क्या कहा, कैसे रोका, कैसे बंद किए उनके मुंह। यू आर सेल्फिश, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तुम समझते हो कि बस मैं ही मैं हूं। अभी क्या हुआ था चेयरमैन साहब के घर, क्या हुआ था? समझ नहीं आई क्या हुआ था? भूल गए इतनी जल्दी? एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, और तुम अपनी माँ को भूल जाते हो। मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी अकेली, तुम्हें क्या परवाह मेरी, तुम्हारा क्या है? तुम तो जहाज पकड़ के चले जाओगे मुझे छोड़ के अकेला। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। मॉम, 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 आई एम सॉरी मॉम। डोंट टच मी मॉम, आई एम सॉरी। सब कुछ बर्बाद करने के बाद सॉरी, सॉरी से कुछ नहीं होगा। मॉम सॉरी, सॉरी, आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं जो कहूंगी वही करोगे ना? ठीक है, अभी उठो और जाओ उस लड़की को फोन करो और उसे घर लेके आओ। मेरा मतलब है, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है, नफरत है दानिया से मुझे, लेकिन उसके पास वो चाबी है जो हमारे सारे ताले खोलती है। गो एंड ब्रिंग हर बैक। अगर तुम असली में तुम सॉरी हो ना, और तुम्हें एहसास है कि मुझ पे क्या गुजर रही है और हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, इस पूरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे? नहीं, you can't do this to us। पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। Just okay, mom. Bring her back. I'll bring her back.
आप इतनी सुबह? मेरी नहीं हो रही थी, सोचा आपको देख लूं तो मेरी भी सुबह हो जाए आपके लिए। शुक्रिया। वेलकम। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बातें। नाना जान कमरे में। शर्फू चाचा, शर्फू चाचा ये फूल वाज में लगा दीजिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही कहने आया था इतना सुबह सुबह। और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो भी तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। जी अब मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। सुनिए, पहुंचकर एक मैसेज कर दीजिएगा कि खैरियत से पहुंच गई। सीरियसली? बस कहकर देखना था कैसा फील होता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यस सर, सर ओके सर, हो जाएगा सर। अदालत से इंक्वायरी का ऑर्डर आया, एक्शन को लेना पड़ेगा। तो सीएम साहबा का क्या करना है? फिलहाल उनसे कहो कि वो अपनी भी बेल करवा लें। आर यू श्योर सर? फॉरन कॉफी लेके आओ। ओके मैम। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। सोशल मीडिया का क्या करें, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। कितनी बकवास लिखी हमारे बारे में इन्होंने। आपने उस जर्नलिस्ट का इंटरव्यू देखा? क्या बकवास की उस स्टूपिड आदमी ने मेरे बारे में। मैं तो उस रूबीना की बच्ची पे हैरान हूँ, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कहाँ से आई उसमें। सारे इदारे हमारे खिलाफ हो गए, अनबिलीवेबल। खैर तुम एक काम करो, वकील से बात करो और हमारी बेल करवाओ। अच्छी नहीं, आई हैव अ बेटर आइडिया। हम दानिया से मिलने जाते हैं, उसे मनाएंगे। अगर वो वापस आ जाएगी ना तो ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। दैट्स अ बेटर आइडिया। मॉम आपको क्या लगता है कि दानिया वापस आ जाएगी, मेरे साथ पैचअप कर लेगी इतना सब कुछ झेलने के बाद और मेड्स के रेस्ट के बाद? आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी ये केस स्पेशल ब्रांच के पास है। बेटा वो अभी भी तुम्हारे निकाह में है, और अब जितनी बेइज्जती हुई है ना वो डॉक्टर के स्कैंडल की वजह से। उसका जो नाना है ना वो पुराने स्कूल का है, वो जो पुराने अंदाज वाले लोग होते हैं ना वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा गिड़गिड़ाएंगे, थोड़े से उनके पैर पड़ेंगे ना तो फौरन अपनी नवासी को रवाना कर देंगे हमारे साथ। इफ यू से सो, बट मुझे नहीं लगता। खैर मैं कॉल करके देखता हूँ, अगर गुंजाइश हुई तो। तो गुंजाइश पे तो नहीं छोड़ना ना, थोड़ी एफर्ट करो। अरे थोड़ा रोना धोना करो, ड्रामा करो, उसको तोहफे तहाइफ दो। विनर ओवर ना, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गुंजाइश पे कौन छोड़ रहा है, इतना सीरियस मामला चल रहा है हमारी जिंदगी में। ठीक है मॉम, मुझे आज थोड़े काम है, मैं शाम को कर लूंगा। अच्छा ये नाश्ता वास्ता छोड़ो और एक काम करो, बैंक जाओ और देखो हमारे अकाउंट्स ठीक है कि नहीं, मैनेजर से जाके बात करो। सब कर लूंगा मॉम, नाश्ता तो करने लगे। अच्छा देन हरी अप।
मैडम जी, आपने मेल चेक की है? किसकी मेल? पार्टी चेयरमैन की है। अब क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। Everything all right, ma'am? नाना जान, ये ले, मैंने आपकी दवाइयाँ ऑर्गेनाइज कर दी हैं। ये ब्लू वाली आपने सुबह में लेनी है, जो दूसरी वाली है वो शाम की है। और अब आपने भूलना नहीं है, वक्त से अपनी दवा लेनी है। थैंक यू बेटा। क्यों अपनी मेहनत जाया कर रही उस तरह? यकीन मानो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नाना जान क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आप कहीं जाए हमें छोड़ के, हम सबको आपकी जरूरत है। बेटी अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करे, तुम पर अपना करम करे, तो फिर मैं सुकून से मर सकूंगा। नाना जान क्यों ऐसी बातें करें, मैं बात नहीं करूंगी आपसे, आपने दोबारा ऐसी बात की तो। जो नाराज होगी मेरी शहजादी। चलो ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, आज हसन और उसकी वालदा हमारे आए थे, बहुत देर बच्चों के साथ खेलते रहे। तुम्हारे लिए खीर और कबाब बना कर लाई थी। जी बताया शर्फू चाचा ने। बेटे अल्लाह ताला कैसे कैसे रास्ते बना देता है। हसन उसके घर वालों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, ऐसे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया जब हमारे अपने हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे, सारी दुनिया से टकरा गया। ये होते हैं असली मर्द, जो अपनी सोच को सही समत में ले जाएं और हक के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाए। इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, बड़ी मदद की है, अल्लाह ने इसका अजर देगा। सुनो बच्चे सो गए हैं तो इन्हें कमरे में ले जाओ। चेयरमैन साहब ये मैं कैसे कर सकती हूँ, आप जरा मेरी बात तो सुने। गुजारिश है कि हमें एक और मौका तो दे दें आप। नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं? पार्टी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे, हमने अपनी पूरी जिंदगी इस पार्टी को दे दी है। आप मेरी हेलो 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 क्या हुआ मॉम? बॉयज जाके मेरा रेजिग्नेशन लेटर ना टाइप करके लाएं ताकि मैं साइन करके इनके मुंह पे फेंकूं। मैडम क्यों? अरे मत पूछे, जाए ना, जो मैं कह रही हूँ करें। मामा पैसे नहीं कर सकती। शट अप, अपनी मर्जी से थोड़ी कर रही हूँ, नहीं करूंगी ना तो वो मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे हमारी। क्या मुसीबत है। मैम मैम कॉफी? पागल हो गई हो, दफा हो जाओ यहाँ से, कॉफी का वक्त है कोई, गेट आउट। दानिया को बचपन से ही चांद से प्यार था। एक बार मैंने पूछा, दानिया चांद चाहिए? कहने लगी, नहीं ये अपनी जगह अच्छा लगता है। साइंस बताती है कि एक इंच भी
अपनी जगह से हट जाए तो आग लग जाए। करीब आएगा तो जला देगा नाना जान। ताजदार साहब, मुबारक हो आपको। ये मेरे लिए कोई खुशी की खबर नहीं है। आपको सीएम बनाया जाए तो ये तो खुशी की खबर हुई ना। वो भी खुशी की खबर नहीं। किस मिट्टी की बनी है आप? जाइए, जाके कहीं गारों में बसेरा कीजिए। कहाँ सियासत में सर खपा रही हैं आप? और वैसे भी यहाँ दरवेशों की कोई जगह नहीं होती। जी, लेकिन होनी चाहिए ना, ताकि ये मुल्क चल सके। चलिए, कल मिलते हैं, आइएगा जरूर हेडक्वार्टर। जी जरूर, शुक्रिया, खुदा हाफिज। इजाजत है जी। सिर्फ एमपीए का प्रोटोकॉल रहेगा, गाड़ी ड्राइवर बाकी सारा प्रोटोकॉल जा रहा है। दाफिस। बैंक में सब ठीक था? चेयरमैन साहब की सेक्रेटरी की कॉल आ रही है। मत उठाओ, ऐसे ही हमें तंग करने के लिए फोन कर रहा होगा। बुरे वक्त में ना छोटे दुश्मन भी बड़े लगते हैं। दिल छोटा मत कीजिए, फिर आ जाएगा सब कुछ। कैसे, और ये सब गया क्यों? और चेयरमैन ने और इस पार्टी ने जो सलूक किया ना हमारे साथ, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। I'll never forget it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, तुमने तो कहा था रात को कि तुम नहीं जाओगी। नाना जान, वो सोचा तो मैंने यही था, लेकिन चेयरमैन साहब का फोन आ गया तो अब जाना तो पड़ेगा। अरे नहीं बेटा, जाओ, जाके तमाशा देखो अपने दुश्मनों की बर्बादी का। मुझे तो डर लगता है शरफू चाचा, कभी कभी तमाशा देखने वाले खुद तमाशा बन जाते हैं। चलिए नाना जान, मैं फिर होकर आती हूँ ऑफिस से। चलो बेटा, अल्लाह की अमान। तालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो आपको।
शुक्रिया बेटा, कुर्सी किसी की नहीं होती, एक दिन इसने चले जाना होता है। वो तो चले जाना होता है, लेकिन इनको तो धक्का मारकर निकाला है इन्होंने। काम इसलिए लाया हूँ ताकि आप ज्यादा ना खाएं। किसी दूसरे की हार में अपनी जीत तलाश करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और आप मिठाई लेकर आ गए। उनकी हार को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आपकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। इतनी हीरोइंस की तरह आपने इतना जुल्म सहकर सबर का मुजाहरा किया, उसको तो सेलिब्रेट करने दें। आपकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चलती हूँ नाना जान। अल्लाह की अमान बेटा। सुनिए, सीएम बनकर कहीं हमें ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एक चाय पिला दीजिए सरपंच जी। अगर जल्दी मिल जाए तो कमाल हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचना। थैंक यू। और तबीयत ठीक है आपकी? बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जरा बाहर बैठिए प्लीज। बोले जी सर। बैठो जी। सर ये किस लिए? आई थिंक यू डिजर्व दिस। I'm honored, लेकिन मैं सीएम नहीं बनना चाहती। क्यों दानिया? लोग आपको चाहते हैं, उनकी सिंपथी आपके साथ है, और दूसरी बात यह कि मैं चाहता हूं कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि हम उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। जी सर, मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन मेरा केस लड़ने के लिए अदालत है। मैं सियासत में आई नहीं थी, लाई गई थी। मुझे लाया गया था जाती जिंदगी को चमकाने के लिए, और मैं टिकी रही हूँ लोगों की मदद करने के लिए। वरना इन लोगों से रिश्ता खत्म होने के बाद तो शायद मैं घर ही बैठ जाती। सर अभी तक जो भी हालात हुए हैं, उनमें जो भी मैंने किया वो मैंने अपना दिफा किया, पलट कर वार नहीं। लेकिन अगर मैं सीएम बन जाती हूं तो वो पलट कर वार होगा, और वो मुझे जेब नहीं देता। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ, बस उसमें मेरा साथ दीजिए। मेरा ख्याल है आप इस कुर्सी में बैठ के उनकी ज़्यादा खिदमत कर सकती और पार्टी की इमेज और रेपुटेशन को भी बेहतर बना सकती। नहीं सर, ये प्रोटोकॉल्स, डिनर्स, मीटिंग्स, जवाबी कार्रवाई से बचाओ, ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं तो एक आम सी औरत हूँ, आम से लोगों में रहकर आम से अंदाज में उनके लिए काम करना चाहती हूँ। मुझे खास ना बनाए। म्यूजिकल चेयर देखने वालों को तो बहुत मजा देती, जो खेल रहा होता है उसके लिए तो टॉर्चर ही होता है। और मैं अपना ध्यान लोगों के लिए काम करने से हटाकर नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं ले जाना चाहती। आई एम स्पीचलेस। सर मुझे इजाजत दीजिए। सर आप बैठे। आप इस इज्जत की हकदार हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
मामे ने कैम को डिवोर्स दे दिया। इसकी खबर आज रात की न्यूज पर लग जाएगी। मैम, जमालुद्दीन खकवानी को सीएम बनाया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? चेयरमैन साहब ने तो मुझे खुद बताया था कि वो ये सीट दानिया को देंगे, मगर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस म्यूजिकल चेयर में हिस्सा नहीं लेना। आप जाएं। ओके।